नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप पेपर वाइज और टॉपिक वाइज एडिटोरियल के आर्टिकल्स की वीडियोस को देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कोर्सेज के बारे में। आप video.onlyis.in पर जाके, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस कोर्स, करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, मेंस बूस्टर प्रोग्राम। और अगर आपको कोई डाउट हो इन कोर्सेज से संबंधित तो आप अपना डाउट सेंड कर सकते हो onlyis.sales@gmail.com पर। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगला आर्टिकल MSME मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के बारे में है। GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आप आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके इस साल मेंस के लिए। पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। देखो, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, आज़ादी के बाद शुरुआती कुछ सालों में सरकार के द्वारा या तो एग्रीकल्चर पर फोकस किया गया या फिर बड़ी इंडस्ट्रीज पर फोकस किया गया। MSME सेक्टर पर फोकस नहीं किया गया सरकार के द्वारा। इवन बड़ी इंडस्ट्रीज को सरकार के द्वारा ही इस्टाब्लिश किया गया था, लाइसेंस राज था उस समय। MSMEs जो थोड़ी बहुत इस्टाब्लिश हुई उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने क्या किया, बाहर से जो चीज़ें इंपोर्ट की जाती थी, जो गुड्स इंपोर्ट किए जाते थे, उस पर टैरिफ को इंक्रीज कर दिया, ताकि इंडियन MSME के द्वारा जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, जिन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती हैं, उनको बाहर से इंपोर्ट होने वाले गुड्स से कंपटीशन का सामना ना करना पड़े। लेकिन 1991 में LPG रिफॉर्म्स लाए जाते हैं, यानी विभिन्न सेक्टर्स में FDI को अलाउ कर दिया गया, तो उस समय इंडिया में काफ़ी इन्वेस्टमेंट आई, ऐसी कंपनीज आई जो उन्हीं प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने लगी जिनको आमतौर पर MSME के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता था। इवन पहले दूसरे देशों से जो प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट किया जाता था, टैरिफ बहुत ज़्यादा होता था, टैरिफ भी बहुत कम हो गया, तो दूसरे देशों से बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स इम्पोर्ट किए जाने लगे और वो भी बहुत सस्ते। तो सोच के देखिए, MSME सेक्टर जो पहले प्रोटेक्टेड था, कोई कंपटीशन नहीं, बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट हो चुका था, पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा, कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा, तो इस सिचुएशन में हमारा जो MSME सेक्टर था वो कंपटीशन को सहन नहीं कर पाया और एकदम से MSME सेक्टर की जो कंपनीज हैं वो फेल होने लगी। लेकिन धीरे धीरे सरकार को रियलाइज होने लगा कि देखो, MSME सेक्टर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के समय में ये ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएशन में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है। तो धीरे धीरे सरकार के द्वारा MSME सेक्टर पे ध्यान दिया जाने लगा। ये डेफिनेशन है कौन सी एंटरप्राइजेज माइक्रो है, कौन सी स्मॉल है, कौन सी मीडियम है। अभी देखो, इस डेफिनेशन को चेंज करने के लिए एक बिल प्रेजेंट किया गया है पार्लियामेंट में। अगर वो बिल पास हो जाता है तो डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, वो बिल भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी की जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार से है, अगर किसी उद्योग में, प्लांट में और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 25 लाख से कम होती है तो वो एंटरप्राइज कहलाएगी माइक्रो एंटरप्राइज, और अगर किसी एंटरप्राइज में, प्लांट्स में और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 25 लाख से 5 करोड़ के बीच होती है तो वो उद्योग आएगा स्मॉल एंटरप्राइजेस की कैटेगरी में। और सबसे लास्ट में, अगर किसी उद्योग में इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में होती है तो वो उद्योग आएगा मीडियम एंटरप्राइजेस की कैटेगरी में। ये जो डेफिनेशन है वो गुड्स के लिए है, सर्विसेज के लिए अलग से डेफिनेशन है। एक बात फिर से रिपीट करता हूं, अभी ये डेफिनेशन है MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग, लेकिन इस डेफिनेशन को चेंज करने के लिए बिल पार्लियामेंट में आया है, जिसे अभी हम डिस्कस करेंगे 3-4 मिनट के बाद। कुछ फैक्ट्स पहले MSME सेक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। GDP में कंट्रीब्यूशन MSME सेक्टर का है 37.5%, एक्सपोर्ट में शेयर है 40%। अभी 11 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाता है MSME सेक्टर के द्वारा, 5 करोड़ एंटरप्राइजेस काम कर रही हैं, 7000 से ज़्यादा डिफरेंट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं, लेबर इंटेंसिव है, इसीलिए तो कहा जाता है। सबसे लास्ट में देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के बाहर MSME सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रेजेंट करता है एम्प्लॉयमेंट के लिए। और MSME सेक्टर पर अगर ध्यान दिया जाता है तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आ सकती है, रूरल एरियाज़ में भी, ग्रामीण इलाकों में जो ट्रेडिशनल स्किल्स हैं उनको यूज़ किया जा सकता है, लोकल रिसोर्सेज को यूज़ किया जा सकता है, रिसोर्सेज को मोबिलाइज भी किया जा सकता है और प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को बूस्ट भी किया जा सकता है। तो ये हमने कुछ फैक्ट्स डिस्कस किए MSME सेक्टर के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं MSME सेक्टर को किस प्रकार की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, कौन से चैलेंजेस हैं MSME सेक्टर के सामने। सबसे पहला चैलेंज है एब्सेंस ऑफ एडुकेट एंड टाइमली बैंकिंग फाइनेंस। देखो, MSME सेक्टर को अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए या फिर किसी पर्सन को MSME सेक्टर में एंटरप्राइज इस्टाब्लिश करने के लिए फाइनेंस की आवश्यकता होती है,
लेकिन एमएसएमई सेक्टर में जो इंडस्ट्रीज आती हैं उनको पैसा आसानी से नहीं मिल पाता, लोन आसानी से नहीं मिल पाता। दूसरा, मार्केट नॉलेज। काफ़ी बार ऐसा देखा जाता है कि एमएसएमई सेक्टर में जो एंटरप्राइजेज हैं उनको मार्केट की ठीक से नॉलेज नहीं होती कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, उनके द्वारा जो प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग चल रही है उन प्रोडक्ट्स में किस प्रकार का बदलाव आवश्यक है, कहाँ पे इन प्रोडक्ट्स की बिक्री ज़्यादा हो सकती है। तो ये जो नॉलेज है वो उपलब्ध करवाना ज़रूरी है एमएसएमई सेक्टर को, कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आप बाहर के देशों में इस रीजन में एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर ये मार्केट संबंधित नॉलेज मिले एमएसएमई एंटरप्राइजेस को तो उनको बहुत सारी सुविधा होगी और वो आगे बढ़ पाएंगी। तीसरा पॉइंट, लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर देखो ग्रामीण इलाकों में कोई एमएसएमई इस्टेब्लिश की जाती हैं वहाँ पे तो काफ़ी बार ऐसा भी देखा जाता है कि बुनियादी सुविधाएं जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका भी अभाव, बिजली नहीं आती पूरे समय, रोड सही नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं वो भी एक प्रकार से बाधा का काम करती हैं, एमएसएमई जो सेक्टर है वो आगे नहीं बढ़ पाता। तीसरी चीज़, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सूटेबल टेक्नोलॉजी। एमएसएमई सेक्टर में जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रेंड के हिसाब से आगे नहीं बढ़ पाती। मार्केटिंग में देख लीजिए, प्रोडक्शन में देख लीजिए, किसी भी चीज़ में देख लीजिए, टेक्नोलॉजी जो है वो समय के अनुसार लेटेस्ट नहीं यूज़ की जाती। वैसे मार्केटिंग के पॉइंट को इससे लिंक कीजिए, आज डिजिटलाइजेशन का ज़माना है फिर भी पुराने तरीके अपनाए जाते हैं मार्केटिंग के लिए, तो ये जो तरीके हैं वो इनएफिशिएंट हो जाते हैं। इसलिए ना सिर्फ प्रोडक्शन में बल्कि मार्केटिंग में भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज किए जाने की आवश्यकता है। लो प्रोडक्शन कैपेसिटी। देखो जो बड़ी कंपनीज हैं वो तो बड़े स्केल पर प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, तो इकोनॉमी ऑफ स्केल वहाँ पर देखने को मिलता है। बड़ी कंपनीज एक साथ 2 करोड़ प्रोडक्ट को बनाएंगी और एमएसएमई जो है वो एक साथ 1 लाख प्रोडक्ट को बनाएंगी, तो डेफिनेटली जो बड़ी कंपनीज हैं उनको मुनाफा होता है। तो लो प्रोडक्शन कैपेसिटी से भी घाटा होता है एमएसएमई को, ये भी एक प्रॉब्लम है, ये एक चैलेंज है। नेक्स्ट पॉइंट है लेबर लॉज। वैसे देखो सरकार के द्वारा काफ़ी कदम उठाए गए हैं लेबर लॉज को और ज़्यादा सिंप्लीफाई बनाने के लिए, लेकिन अभी भी कई लेबर लॉ ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और जिनकी वजह से एमएसएमई को काम करने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और सबसे लास्ट पॉइंट है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर एट अफोर्डेबल कॉस्ट। अफोर्डेबल कॉस्ट पे जो स्किल्ड लेबर है वो उपलब्ध नहीं हो पाती एमएसएमई को, ये भी एक चैलेंज है। तो ये हमने प्रॉब्लम्स की बात की, चैलेंजेस की बात की, अब हम डिस्कस करेंगे सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए। सरकार के द्वारा देखो बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए हैं, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का मकसद ये था कि जो कॉम्पिटिटिवनेस है एमएसएमई सेक्टर की उसे इन्हेंस करना, कैसे, बेटर स्पेस यूटिलाइजेशन, साइंटिफिक इन्वेंटरी मैनेजमेंट, इम्प्रूव्ड प्रोसेस फ्लोज, उसके बाद रिड्यूस्ड इंजीनियरिंग टाइम। तो ये थोड़ी टेक्निकल टर्म्स हैं, स्पेस कम से कम यूज़ किया जाए एमएसएमई के द्वारा, जो इन्वेंटरी है यानी जो सामान है उसको अच्छे से साइंटिफिक ढंग से मैनेज किया जाए। आप सीधा लिख सकते हो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम, क्योंकि एक पॉइंट नहीं है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं सरकार के द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है। क्रेडिट गारंटी स्कीम सरकार के द्वारा चलाई गई है, क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम, एमएसएमई क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम, प्रमोशन ऑफ आईसीटी इन एमएसएमई, उसके बाद टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी अपग्रेडेशन, बिल्डिंग अवेयरनेस फॉर आईपीआर मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन एमएसएमई, उसके बाद पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2012, लेबर रिफॉर्म्स जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ श्रम सुविधा पोर्टल, मुद्रा स्कीम, उद्योग आधार मेमोरेंडम, एस्पायर स्कीम, सफूर्ति स्कीम, स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया भी। देखो ये स्टेप्स जो हमने डिस्कस किए कई तो अपने आप में काफ़ी बड़ी बड़ी स्कीम्स हैं, इनको इनमें से कुछ को आप जरूर याद रखिएगा और मेंस के आंसर में जरूर यूज कीजिएगा। क्रिटिसिज्म अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि सरकार क्या कर रही है, सरकार के द्वारा जो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं वो भी हमें पता होने चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं जो रिसेंट में बिल लाया गया है पार्लियामेंट में। ये बिल एमएसएमई की डेफिनेशन को चेंज करने के लिए है। अभी डेफिनेशन क्या है वो हमने आर्टिकल की शुरुआत में डिस्कस की थी। अगर ये बिल पारित हो जाता है तो नई डेफिनेशन एमएसएमई की इस प्रकार से होगी। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान देने योग्य है, अभी देखो जो एमएसएमई की जो डेफिनेशन है वो इन्वेस्टमेंट के आधार पर है। याद होगा शुरुआत में जो हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी उसके अनुसार यहाँ पर देखो, अगर इन्वेस्टमेंट प्लांट्स और मशीनरी में 25 लाख से नीचे है तो माइक्रो एंटरप्राइजेस, ये डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी। इस डेफिनेशन में इन्वेस्टमेंट को देखा जाता था, लेकिन अगर नया बिल पारित हो जाता है जिसका नाम है एमएसएमई डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2018, तो इन्वेस्टमेंट को नहीं देखा जाएगा, टर्नओवर को देखा जाएगा। टर्नओवर का मतलब है एनुअल सेल्स की वैल्यू।
मान लीजिए 20 रुपए के 1000 प्रोडक्ट बेचे जाते हैं किसी कंपनी के द्वारा, तो टर्नओवर जो है एक साल में उस कंपनी का हुआ 20,000। समझ गए टोटल कितने रुपयों की सेल्स हुई है एक साल में और फाइनेंशियल ईयर में, वो कहलाता है उस कंपनी का टर्नओवर। तो उसके आधार पर एमएसएमई को कैटेगराइज किया जाएगा। तो सबसे पहले कैटेगरी है माइक्रो एंटरप्राइजेस की। अगर देखो किसी उद्योग का जो एनुअल टर्नओवर है वो 5 करोड़ से कम है तो वो उद्योग आएगा माइक्रो एंटरप्राइजेस की कैटेगरी में, और अगर किसी उद्योग का एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से 75 करोड़ के बीच है तो वो उद्योग आएगा स्मॉल एंटरप्राइज की कैटेगरी में, और अगर किसी एंटरप्राइज का यानी उद्योग का एनुअल टर्नओवर 75 करोड़ से 250 करोड़ के बीच है तो वो उद्योग आएगा मीडियम एंटरप्राइज की कैटेगरी में। तो ये नई डेफिनेशन होगी अगर बिल पारित हो जाता है तो। अब आप मुझे एक बात बताइए कि इस बिल के पारित होने से और क्या फायदे हो सकते हैं। कुछ फायदे देखो हम डिस्कस करते हैं। एक तो वेरिफिकेशन आसान हो जाएगा जीएसटी से। अगर एक साल में सेल्स को देखा जाता है, मतलब टर्नओवर देखा जाता है और उसके आधार पर एमएसएमई को कैटेगराइज किया जाता है तो जीएसटी की सहायता से वेरीफाई करना आसान हो जाएगा। दूसरा, पहले बहुत बार ऐसा देखने को मिलता था कि कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है या फिर कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर मिनिमम स्केल पे प्रोडक्शन करने के लिए भी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए होती हैं। तो सोच के देखिए, मिनिमम स्केल पे प्रोडक्शन है लेकिन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए, तो वो कंपनी एमएसएमई के दायरे से बाहर हो जाती थी और एमएसएमई को जो फायदे सरकार के द्वारा पहुंचाए जाते हैं वो कंपनी उन फायदों को अवेल नहीं कर पाती थी। अब ऐसा नहीं होगा, एनुअल सेल देखी जाएगी, इन्वेस्टमेंट नहीं देखी जाएगी। लास्ट में तो सिंपल सा पॉइंट है कि इस बिल के पारित होने से कुछ सेक्टर्स में जो एमएसएमई है वहां पर एफिशिएंसी आएगी और एमएसएमई अपने पोटेंशियल तक पहुंच सकेंगी। सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया, अब कुछ सजेशंस डिस्कस कर लेते हैं। काफी बार यूपीएससी एमएसएमई के बारे में क्वेश्चन पूछने के बाद सजेशन पूछ लेती है कि आप बताइए क्या सजेस्ट करते हो कि कैसे एमएसएमई सेक्टर में और ज़्यादा एफिशिएंसी लाई जा सकती है, ग्रोथ को इंक्रीज किया जा सकता है। तो सबसे पहला सजेशन, टैक्स रिफॉर्म्स, टैक्स इंसेंटिव दिए जाएं ताकि जो एमएसएमई हैं वो बड़ी कंपनीज का मुकाबला कर सकें। उसके बाद प्रमोट R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस किया जाए। तीसरे नंबर पर ई कॉमर्स एंड मार्केटिंग, एमएसएमई के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स की सहायता से बेचे जा सकें, इस दिशा में भी काम करने की आवश्यकता है ताकि बेटर मार्केटिंग हो सके एमएसएमई के प्रोडक्ट्स की। और सबसे लास्ट में लिंकेज होना चाहिए स्किल डेवलपमेंट का एमएसएमई की जरूरतों के साथ, यानी एमएसएमई में जिस प्रकार की स्किल्स चाहिए उस प्रकार की स्किल्स अवेलेबल होनी चाहिए मार्केट में, गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना जरूरी है। तो ये सजेशंस आप लिख सकते हो। अब क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। एमएसएमई कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन इकोनॉमी इज वेरी सिग्निफिकेंट। एमएसएमई का यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने शुरुआत में आर्टिकल में डिस्कस किए थे, इस लाइन को थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए 2-3 लाइनें लिखने के लिए आप उन फैक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद क्रिटिकली एनालाइज मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो आपको चैलेंजेस जो हैं उनके बारे में क्रिटिकली एनालाइज करना है, उसके बाद ये बताना है व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय गवर्नमेंट, यानी सीधा सीधा ये बताना है गवर्नमेंट के द्वारा क्या स्टेप्स उठाए गए हैं ताकि एमएसएमई सेक्टर में ग्रोथ को बूस्ट किया जा सके। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। चल तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।